नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोए सवसाहूणं एसो पंचनमोकारो सवपावपणासनो मंगलानं च सवेसिं पढ़मं हवै मंगलं पढ़मं हवै मंगलं सुख विपाक सूत्र का स्वाध्याय पेज नंबर 337 तेनम कालेनम तेनम समये समयेनम रायगिहे नयरे रिद्धत्यम्य सम्मिद्धे गुणशीलये चेये सुहम्मे समोषढे जम्बूजावपज्जुवासै एवं वयासि जैनं भन्ते समणेनं भगवया महावीरेणं जावसंपत्तेनं दोहविभागाणं अयमर्थे पन्नते सुहविभागेणं भन्ते समणेनं जावसंपत्तेनं के अर्थे पन्नते तैणं से सुहम्मे अणगारे जम्बु अणगारं एवं वयासि एवं खलु जम्बु समणेनं भगवया महावीरेणं जावसंपत्तेनं स्वविभागाणं दस अज्जयणा पन्नता तं जहा सुबाहु बद्धनन्दिय सुजाये सुवासवे तहेव जिणदासे धनवैय महबले भद्दनन्दी महचन्दे वरदत्ते जैणं भन्ते समणेनं भगवया महावीरेणं जावसंपत्तेनं स्वविभागाणं दस अज्जयणा पन्नता पडमस्सणं भन्ते अज्जयणस स्वविभागाणं समणेनं जावसंपत्तेनं के अट्ठे पन्नते तैणं से सुहमे जम्बु अणगारं एवं वयासि एवं खलु जम्बु तेनं कालेनं तेनं समयेनं हत्तिशेषे नामं नयरे होत्था निद्धत्यम्य संमिद्धे तत्सणं हत्तिशेषस्य नयरस्य बहिरा उत्तरपुरत्वमे दिशि भाये एत्थणं पुप्फकरण्डये नामं उज्जाणे होत्था सवोय पुप्फफल समिद्धे रम्मे नन्दन वनप्वगासे पासाये दरिसणिज्ये अभिरुवे पडिरुवे तत्थणं गयवणनमालपियस्य जक्खस्य जक्खायतणे होत्था दिव्ये तत्थणं हत्तिशीशे नैरे अदीनसत्तु नामं राया होत्था महया हिमवन्त रायवन्नवो दर्शनं अदीनसत्तुस्स रन्नो धारिणि प्रमुखं देवी सहसं ओरोहेयावि होत्था तैणं सा धारिणि देवी अन्नया कयायिं तंसिं तारिसगंसि वासभवनंसि सिंहं सुमेणे तहा मेह जम्मणं तहा भाणि यौवं नवरं सुबाहु कुमारे जाव अलं भोग समत्थे आवि जानेति जानिता अम्मा पेरो पंच पासाए वड़ सगय सयाईं करेंति अभुगय मुसिय पहसिय विव भवनं एवं जहा महबलस रन्नो नवरं उपचुला पामुखानं पंच पंचपहं रायवरकन्नग सयानं
एक दिवसेणम पाणी गिन्ना वेंती तयेव पंचसयो धावो जाव उप्पी पासाय वरगते फुट्ट माणे हिम जाव विहरति तेनम कालेनम तेनम समयनम समणे भगवान महावीरे समोसडे परिसा निगया अदेन सत्तु निगये जहा कोणिये सुबाहु भी जहा जमाली तहा रेणम निगये जाव धम्मो कहियो राया परिसा गया तेनम से सुबाहु कुमारे समणस भगवो महावीरस अंतिये धम्मम सोचा निसम्म हत टूठे उठाए उठे ही जाव एवं वयासी सद्दहामिणं भन्ते निगंतम पावयनम जाव जहानम देवानुप्याणम अंतिये बहवे राय सर तलवर माडंबिय कोडुंबिय सेठी सेना वै सत्थवा भियो मुंडा भविता आगारावो अणगार्यम पवैया नो खलु अहम तहा संचायेमि मुंडे भविता आगाराओ अणगार्यम पवैत्तये अणम देवानुप्याणम अंतिये पंचाणुवत्यम सत्तशेखावतियम दुवालसभ्यम गिहिधम्मम परिवज्जिसामि अहासुहम देवानुपिया मा परिबंधम करेह तेनम से सुबाहु कुमारे समणस भगवो महावीरस अंतिये पंचाणुवयम सत्तशिखावयम दुवालसयम गीधम्मम परिवज्जये परिवज्जिता तमेव रहम दूरे दूरिता जामेव दिशं पाहु भुवे तामेव दिशं पड़ी गये तेनम कालेनम तेनम समयनम समणस भगवो महावीरस जेठे अंतवासी इंदभुए नामम अणगारे जाव एवं वयासी अहोणम भन्ते सुबाहु कुमारे इठ इठ रुवे कंते कंत रुवे पिये पिये रुवे मणुन्ने मणुन्न रुवे मणामे मणाम रुवे सोमे सुभगे पियदंसने सुरुवे बहुज बहुजनस्वीयनम भन्ते सुबाहु कुमारे इठे सोमे जाव सुरुवे साहु जनस्वीयनम भन्ते सुबाहु कुमारे इठ इठ रुवे जाव सुरुवे सुबु सुबाहुना भन्ते कुमारेणम इमे एयारुवा उराला मानुस रिद्धि किन्ना लद्दा किन्ना पत्ता किन्ना अभिसम्मन सम्मना गया कोवा एस आसी पूव भवे किम नाम एवा किम गोतये करन सेवा गामन सेवा सन्निवेश वेशन सेवा किम वा दच्छा किम वा भोच्छा किम वा समायरिता कस्वा तहारुवस्स समणसवा माणसवा अंतिये एवमवि आयरियम धम्मियम सुवयनम सोचा निसम्म सुबाहु कुमारे इमे इयारुवे मानुस रिद्धि लद्धा पत्ता अभिसमन्ना गया एवं खलु गोयमा तेनम कालेनम तेनम समयनम इहेव जम्बु दिवे दिवे भारहे वासे भत्तिना उरे नामं नयरे रिद्धत्यम्य समिद्धे वन्नो तत्थनम हथिना उरे नरे सुमुहे नामं गावै परिवसै अड्ढे दित्ते जाव अपरिभूये तेनम कालेनम तेनम समयनम धम्म गोसे नामं थेरा जाय संपन्ना जाव पंचहिं समनसहेहिं सद्धिं संपरिहुडा पुवाणु पुविं चरमाणा गामाणु गामं द्विजमाणा जेणे वहत्तिना उरे नरे जेणे व सहस्रमयणे उज्जाणे तेणे व उवागच्छति उवागच्छिता आपणिरुवम उग्गहम उग्गणिता संजमेणम तवसा अप्पाणम भावे माणे विहरन्ति तेणम कालेणम तेणम समयणम धम्म गोसाणम थेराणम अन्तेवासी सुदत्ते नामम अणगारे उराले जाव ते उलेसे मासम मासेनम कममाणे विहरई
तयेणम से सुदत्ते अणगारे मा सखमण परेण घंसी पढ़माए पूरी सीए सज्जायम करे जहाँ गोय ममासी तहे व धम्म गो से थेरे आपुच्छई जाव अड़माणे सुहस सुमहस गहावै सगियम अनुपविठे तैणम से सुमुहे गहावै सुदत्तम अणगानम एज्यमाणम पासई पासितना हत्त टूठे आसनाओ अभुठे अभुठे ता पाय पेढ़ाओ पचारुहई पचारुहिता पाहुयावो उमुयति उमुयता एक साड़ियम उत्तरा संगम करे करिता सुदत्तम अणगारम सत्त पैठाई अणुगच्छई अणुगच्छिता तिक्खुतो आयाहिणम पयाहिणम करे करिता वंदय नमनसय नमनसिता झेणेव भत्त धरे तेणेव उवागच्छई उवागच्छिता सहतेण विहुलम असणम पाणम खायमम सायमम पड़ेला भी सामेत्ति कटु तुठे पड़ेला भी माणे भी तुठे पड़ेला भी ये ते तुठे तैणम तस सुमुहस गहावैस तेणम दव सुद्देणम दायग सुद्देणम पड़िग्गाह सुद्देणम तिविहेणम ते करण सुद्देणम सुदत्ते अणगारे परिलाभिये समाणे संसारे परित्तिके मनुष्याए निबद्धे किहंसियसे इमाइं पंच दिव्याइं पाउ भूयाइं तम जहा वसुहारा वट्ठा दस दसद्दवन्ने कुसुमे निवाये चेलुखे वे कहे आहयाओ देव दुंदुहियो अंतरावियणम आगासंसे अहोदानम अहोदानम दुट्टेय हत्तिनाउरे सिंगा सिंगाड़ग जाव पहे सूपौजणो अन्न मनस एवं आये कई धन्ये धन्येणम देवानुप्या सुमुए गाहवै सपुण्येणम दे कयत्थेणम दे कय पुण्ये कय पुण्येणम केय लखेणम कय कय विहये सुलद्देनम तस्स सुमुहस गावैस समा एयारुवा उराला मानुस्तरि दिलद्धा पत्ता अभिसमन्ना गया तैनम से सुमुहे गावै बहुयं बासासयाइं आवयं पाले पालिता काले मासे कालम किच्छा इहे वत्ति सीसये नैरे अदेन सत्तु सरन्नो धारिणीय देविये कुच्छिसि पुत्तत्ताये उववन्ने तैणम सा धारिणी देवी सणिजंसि सुत्त जागरा और ओहरमाणि तयेव सिंहं पासै शेषं चेव जाव उप्पि पासाये विहरै तं एवं खलु गोयमा सुमाहुणा इमा ये आरुवा मानुसरिद्धि लद्धा पत्ता अभिसमन्ना गया पभूणं भन्ते सुबाहु कुमारे देवानुप्या अंत्ये मुंडे भविता आगाराओ अणगारियं पवयित्तये हंता पभो तैणं से भगवं गोयमे समणं भगवं महावीरं बंदये नमंसये नमंसित्ता समणेनं तवसा अप्पाणं भावे माणे विहरये तैणं से समणे भगवं महावीरे अन्नया कयायं हत्ति सीसाओ नैराओ पुप्पकरंडयाओ उज्जानाओ कयवनमालप्यस जखस जखाय तणाओ पड़ि निखमयी पड़ी निकमिता भैया जनवय बिहारम बिहरई तैणम से सुबाहु कुमारे समणो वासये जावे जाए अभिगय जीवा जीवे जाव पड़ी लाभे माणे बिहरई तैणम से सुबाहु कुमारे अन्नया कयाईं चाऊ दसठ मुदिट्ठ पुन्नमासेनेसु जेणेव पोषसाला तेणेव उवागच्छई उवागच्छेता
पोसासालम पमज्जई पमज्जिता उच्चार पाश्वण भूमि पड़िले हई पड़िले हिता दब संतारगम संतरे संतरिता दव संतारगम दूरई दूरिता अठम भत्तम पगे नहीं पगे निता पोसासालाए पोसहिए अठम भत्तिये पोसम पड़ी जागर माणे विहरे तैनम तस्य सुमाहुस्स कुमारस्स पुवरत्त वरत्त काले धम्मा जागर्यम जागर माणस इमे ए आरुवे अज्जत्तिये चिंतिये पत्तिये मनोरमे संकप्पे समुपन्ने धन्नानं ते गामागर नगर जाव सन्निवेशा जत्तनम समणे भगवं महावीरे विहरई धन्नानं ते राईसर जाव सत्थवाह पभियो जेणम समणस्स भगवो महावीरस्स अंतिये मुंडे भविता आगारवो अणगार्यं पौवयन्ति धन्नानं ते राईसर जाव सत्थवाह पभियो जेणम समणस्स भगवो महावीरस्स अंतिये पंचाणु वयिं जाव गेहि धम्मं परिवज्जन्ति धन्नानं ते राईसर जेणम समणत्त भगवो महावीरस्स अंतिये धम्मं परिसुणन्ति तं जैणं समणे भगवं महावीरे पोमाणु पोवं चरिमाणे जाव गामाणु गामं दुज्जै माणे यमागच्छे जाव विहरिज्जा तैणम अहं समणस्स भगवो महावीरस्स अंतिये मुंडे भविता जाव पौवयेज्जा तैनम समणे भगवं महावीरे सुबाहु कुमारस सुबाहुस्स कुमारस इमं ए अरुम अच्छत्यं जाव वियानित्ता पुवाणु पुविं चरमाणे जाव गामाणु गामं द्विज्जमाणे जेणेव तसीसे नैरे जेणेव पुप्प करंडे उज्जाणे जेणेव कयवण मालपियस जखस जखायणे तेणेव उवा गच्छै गच्छिता अहा पड़िरूवं उग्गहि उग्गहं गिन्निता संजमेनं तवसा अप्पाणं भावे माणे विहरई परिसा राया निग्गये तैनं तस्य सुबाहुस्स कुमारस्स तं महया जहा पड़मं तहा निग्गवो धम्मो कहियो परिसा परिग्गया राय पड़िगवो तैनम से सुबाहु कुमारे समणस्स भगवो महावीरस्स अंतिये धम्मं सोचा निसंहत टूठे जहा में हो तहा अम्मा पियरो अपुच्छई निकमणाभिसेओ तहेव जाव अणगारे जाए एरिया समीये जाव बंभयारे तैनम से सुबाहु अणगारे समणस्स भगवो महावीरस्स तहारुवाणं थेराणं अंतिये सामाय माइयाइं एकार संगाइं अहिजयि अहिजित्ता बहुयं चौथ छठट तवो विहारे विहाणेहिं अप्पाणं भाविता बहुयं भाषाइं सामन्न पर्यागं पावणित्ता मासियाय संलेहणाय अप्पाणं जोषित्ता सट्टे भत्तायं अणस अणसणाइं छेदित्ता आलोय पड़िकंते समाहि पत्ते काले मासे कालम किच्चा सोहम में कप्पे देवयाये उववन्ने सेनम तत्तो देवलोगावो आवुक्खेनम भवक्खेनम तेक्खेनम अणत्तरयं चयं चयं चयिता मानुसं विग्गहं लाभहिता केवलं बोहि बुज्जिहिता बुज्जिहिता तहारुवाणं थेराणं अन्त्ये मुण्डं भावं पब्बैस्सै सेणं तत्थ बहुयं भाषायं सामन्न पर्यागं पावणेहिं पावणेता आलोय पड़िकंते समाये पत्ते काले मासे कालं किच्चास सणम कुमारे कप्पे देवयाय उववज्जी तावो मानुसम पवज्जा बंभलोए मानुसम महासुके मानुसम
आणाए माणुसम आरणे माणुसम सौवट्ठ सिद्धे सेणम तवो अणतरम उवट्ठिता महाविदेहे जाव जाइम अठाइम जहा दड़ पड़ने सिज्जिहिति बुज्जिहिति मुच्छिहिति परिनिर्वाहिति सौव दुखानमंतम करे हिंति तम एवं खलु जंबु समणेनं भगवया महावीरेणं जाव संपत्तेणं सो विभागानं परमस अज्जैनस अयमट्टे पन्नते तिबेमी ई सुव विभागस्य परमं अज्जैनं सम्मतम् वित्तियस्स उखेवो एवं खलु जम्बु तेनं कालेनं तेनं समयेनं उसवपुरे नैरे धूमकरण्डंगं उज्जानं धन्नो जक्खो धनावहो राया सरसै देवी सुमेणदंसन कहणं जम्मं बालत्तणं कलावोय जोवन्नं पाणिगहणं दावोपासाय भोगाय जहा सुबाहुस्स नवरं भद्दनंदी कुमारे सिरिदेवो पामुखानं पंचसयानं कन्नानं पाणिगहणं सामिस्स समोसरणं साय साय सावगधम्मस्स पूवभद्दन पुच्छा महाविदेहे वासे वासे पुंडरी गिरी नरे विजये कुमारे जुगबाहु तित्तयरे परिलाभिये मनुसाऊये निबद्धे इहं उपन्ने शेषं जहां सुबाहु कुमारस्य जाव महाविदेहे सिज्जिहिति बुज्जिहिति मुच्छिहिति परिनिर्वाहिति सर्व दुःखानमन्तं करेहिति एवं खलु जम्बु समणेनं भगवया महावीरेणं जाव संपत्तेनं स्वविभागानं वित्तियस्य अज्जैनं अयमट्टे पन्नते वीरपुरं नैरं मनोरमं उज्जानं वीरसेने जखे वीरकन्नमित्ते राया शिरोदेवी सुजाये कुमारे बले श्री पामुखाणं पंचसय कन्नगाणं पाणिगहणं सामो सामी समोसरिये पूवभव पुच्छा उसुयारे नयरे उसभदत्ते गाहावै पुप्पदन्ते अणगारे परिलाभिये मानुषावे निबद्धे इहं उपन्ने जाव महाविदेहे सिज्जिहिति ई सुहविभागस्स तैयं अज्जैनं सम्मतम् चौथस उखेवो विजयपुरं नैरं नंदनवनं उज्जानं असोगो जक्को वासवदत्ते राया कन्ना देवी सुवासवे कुमारे बद्धा पामुखाणं पंचसय कन्नगाणं जाव पूव भवे कोसंबी नैरी धनपाले राया वेशमण बद्धे अणगारे पालिला पड़िलाभिये इह उपन्ने जाव सिद्धे सुविभागस्य चौथम अज्जैनं सम्मतम् पंचमस उखेवो सोग सोगंधिया नयरी नीला सोगे उज्जाने सुकालो जक्को अपड़िहयो राया सुकन्ना देवी महाचंदे कुमारे तस्स अर अर दत्ता भारिया जिनदासो पुत्तो तिथय रागवण रागमणम जिनदास पौव भवो मज्जमिया नयरे मेह रहे राया सुयदम्मे अणगारे पड़िला पिये जाव सिद्धे ई सुव विभागस्य पंचमम अज्जैनं सम्मतम् छठमस उखेवो कणगपुरम नयरम सोया सोयम उज्जानम वीरभद्दो जक्को पियचंदो राया सुभद्रा देवी वेशमणि कुमारे जुवराया सिरा देवी पामुखाणं पंचसयाणं रायवर कन्नगाणं पाणिगहणं तित्तेर रागमणं धीवै जुवराय पुत्ते जावपोव भवे मणिचय्यानयरी मित्तेराया
शंभुई विजय अणगारे पड़ेला बीए जाव सिद्धे निखेवो ईसो विभागस चट्ठम अजैनम सम्मतम सत्तमस उखेवो महापुरम नयनम रत्ता सोगे उज्जाणे रत्त पाओ जखो भले राया सुभद्रा देवी महाबले कुमारे रत्त वही पामोखाणम पंच सैराय वर कन्न 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 गाणम पाणिग्रहणम तिथय रागमणम जाव पूव भवो मणिपुरम नयरम नागदत्ते गावै इंद दत्ते अणगारे पड़िला भी जाव सिद्धे ईसु विभागस सत्तमम अजैनम सम्मतम अट्ठमस उखेवो सुघोषम नैरम देवरमणम उज्जाणम वीरसेनो जखो अज्जो राया रत्त वै देवी भद्दनंदी कुमारे श्रीदेवी पामोखाणम पंचशयानम रायवर कन्नगाणम पाणिग्रहणम जाव पौव भवो महागोसे नैरे धम्म गोसे गहावै धम्म सिहे अणगारे पड़िला भी जाव सिद्धे निखेवो ईसु विभागस अठमम अजैनम सम्मतम नवमस उखेवो उखेवो पंचानयरी सॉरी चंपानयरी पुन्न भद्दे उज्जाणे पुन्न भद्दे जखे दत्ते राया दत्त वै देवी मचंद कुमारे जुवराया सिरिकंता पामुखाणम पंचशयानम रायवर कन्नगाणम पाणिग्रहणम जाव पौव भवो तिगिच्छानयरी जिय सत्तु राया धम्म वीर ए अणगारे पड़िला भीए जाव सिद्धे ईसु विभागस नवमम अजैनम सम्मतम जैनम भन्ते दशमस उखवेवो एवं खलु जम्बु तेनम कालेनम तेनम समयेनम सायेयम नामम नैरम भोत्ता उत्तर कुरु उज्जाणे पासी पासामियो जक्को मित्त नंदी राया सिरिकंता देवी वरदत्ते कुमारे वीर सेना पामोखाणम पंच देवी सयाणम रायवर कन्नगाणम पाणिग्रहणम तिथय रागमणम सावग धम्मम पौव भवो पुच्छा सवदुवारे नयरे विमल वाहने राया धम्मरुई अणगारे पड़िला भीए मानुषाऊहे निबद्धे य उपन्ने शेषम जहा सुबाह कुमारस चिंता जाव पवज्जा कप्पम तारे तंतु जाव सवट्ठ सिद्धे तहो महाविदेहे जहा डढ़पैन्ने जाव सिज्जिहिति एवं खलु जम्बु समणेणम भगवया महावीरेणम जाव संपत्तेणम सुह विभागाणम दशमस अजैनम अयमट्ठे पन्नते सेवम सेवम भन्ते सुह विभागा तिबेमि यह सुह विभागस दशमम अजैनम सम्मतम नमो सुवदेवयाये विभाग सुयस दो सुय खंदा दो विभागेय सुह विभागेय तत्त दो विभागे दस अजैना एका सर्गा दस सुचेव दिय दिववेशो उद्दिशिज्जन्ति एवं सुह विभागे वि शेषम जहा आया रस इति सुख विपाक सूत्रम। ये भगवान श्रवण भगवान महावीर की ये देशना जो 11वां अंग है सुख विपाक। इससे पहले आपने स्वाध्याय किया था सुख विपाक का? किया था नहीं। भाग्यशाली है आप इस तीर्थ भूमि में आकर के एक दिन में पूरा सुख विपाक सूत्र पढ़ लिया सुन लिया। लोग कहेंगे कि अर्थ तो समझ में आया नहीं, क्या सुना?
आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है, आप बाजार में जाकर के दवा खरीद करके खा लेते हैं। आपको पता है इस दवा में क्या क्या चीजें पड़ी है, पता है, और फिर भी आप खा लेते, आप ठीक हो जाते हैं। आपने शादियां की और अपनी भी शादी की और पता नहीं कितने लोगों की शादियां अटेंड की है। वो जो मंत्र बोलते हैं, विधि कराते हैं ना शादी की, हाँ, विवाह के मंत्र पढ़े जाते हैं ना, आपको अर्थ पता है उसका? नहीं पता है ना, फिर भी बंध गए जीवन में, कर लेते हैं, घंटों घंटों बैठ करके वो विधि सुनते हैं। और आपको इस अध्याय को सुनने के लिए केवल 20-25 मिनट लगे हैं, 10 अध्याय है ये। अगर हम जितने एक जीवन साथी को पाने के लिए घंटों बैठ करके मंत्र सुन सकते हैं, तो क्या प्रभु की वाणी सुनने के लिए थोड़ा समय नहीं निकाल सकते हैं? जीवन का साथी कौन है? चाहे एक सामान्य जीव जंतु भी है, एक चींटी भी जाती होगी और आप बीच में हाथ रख दीजिए, वो चींटी अपना रास्ता बदल करके निकल जाएगी, उसको भी क्या चाहिए? उसको भी क्या चाहिए? एक सामान्य इतना सा जीव है वो, उसको भी जीवन में कोई व्यवधान न आए, बाधा न आए और सुख मिले, अच्छा भोजन पर जल्दी से मिल जाए तो वहां से ले ले, और आप में ही संग्रह करने की बुद्धि है ऐसा मत समझिए। चींटी भी संग्रह करके रखती है और आपसे भी ज्यादा सुरक्षित जगह खोज करके वहां भंडार भर लेती है। वो भी सुख चाहती है, आप भी सुख चाहते हैं। किस लिए पढ़ते हैं विद्यार्थी, किस लिए आप कमाते हैं? किस लिए? सुख पाने के लिए ना। और हमारे प्रयास सुख पाने के हैं या दुख पाने के हैं? हम जो प्रयत्न करते हैं सारा सारा 24-24 घंटे जिसके लिए लगा रहे हैं, वो सुख पाने के लिए उपाय सारे करते हैं या दुख पाने के लिए उपाय करते हैं? सुख पाने के लिए। आपने गुस्सा किया है कि नहीं? कभी किया है? आपने बच्चों को चांटा मारा है कि नहीं? तो सुख पाने के लिए कि दुख पाने के लिए? किस लिए किया आपने? किस लिए किया आपने? और भगवान महावीर के ये शिष्य और ये ज्ञान और कितना विस्तार से बताया। अगर केवल इतना ही बताते कि सबको सुख पाने की इच्छा, सुख पाने का रास्ता है नारम च दंशनम च चरितम च तवोतः, ज्ञान दर्शन चरित्र तप, ये मोक्ष का मार्ग है, एक सूत्र पढ़ा देते, हो गया। इतना भंडार। और भगवान महावीर के बाद में जैसे इस सुख विपाक सूत्र में आपने सुना है, कल भी आज भी मैं कहूंगी कि इस गणधर सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी को सुना रहे, बता रहे कि भगवान महावीर ने क्या किया है। और ये सुनने के लिए जम्बू क्या करके आया है, क्या करके आया है? जिस दिन शादी हुई उसी दिन अपने पत्नियों को, परिवार को, और वो आया हुआ दहेज में, प्रीतिदान में आया हुआ सारा धन छोड़ करके, माता पिता को छोड़ने की तैयारी करके निकल गए। वो अलग बात है कि माता पिता भी साथ हो गए। और ऐसे जहां भी भगवान महावीर गए हैं, ये जो आगे के 9 अध्याय है, सुबाहु कुमार का पहला अध्याय जो हमने कल अर्थ विवेचन किया, आज जो आगे के 10 अध्याय है, चाहे भद्रनंदी हो, सुवास हो, जिंदास हो, धनपति हो, कोई भी ये युवक है,
ये युवक संपन्न परिवार से आए हुए हैं, कोई राजा है, कोई गाथापति का पुत्र है, कोई सृष्टि का पुत्र है, माता पिता और अलग अलग माता पिता के नाम है, अलग अलग गांव के नाम है, कोई चंपा का है तो कोई और नगरी का है। इसका अभिप्राय क्या है कि जहां भगवान विचरे हैं वहां पर ऐसे युवक अपने परिवार को सबको छोड़ करके आ गए और दीक्षा ले ली। और दीक्षा लेकर के क्या किया, खा पी करके गोचरी ला करके खाया पिया और पड़े रहे, ऐसा नहीं है। अच्छा चलो विहार किया, विहार किया तो ऐसे नहीं कि एक गांव से दूसरे गांव गए, सामान फैला दिया, फिर खाए पिए सामान समेट लिया और दूसरे दिन विहार किया, ऐसा नहीं। सुबाहु कुमार ने एक कार्य समय अंगाहिम द्वादशांग वाणी का अध्ययन किया है। आसान है क्या, परंपरा रही है। भगवान महावीर के निर्वाण के बाद 980 वर्ष तक गुरु को जो याद है, उसने जो द्वादशांगी पढ़ी है, वो शिष्य को याद कराते हैं, उसे पढ़ाते हैं, वो गुरु बनता है, वो अपने शिष्यों को पढ़ाता है, वो गुरु बनता है, वो अपने शिष्यों को पढ़ाते हैं। इस तरह से बराबर परंपरा चली आई है। और हम प्रणाम करेंगे उन आचार्यों को भी कि जिन्होंने अपनी शास्त्रीय परंपरा से अलग दिशा में जाकर के शास्त्र का लेखन किया है, शास्त्र का संरक्षण किया है और शास्त्र को विस्तार दिया है। ये नहीं कि आज हमारे भंडारों में केवल ये द्वादशांग वाणी ही है, ऐसा नहीं है। आप दुनिया का कोई भी ऐसा विषय नहीं है कि जिस पर जैनाचार्यों ने नहीं लिखा है, चाहे उपन्यास हो, चाहे नाटक हो, चाहे आयुर्वेद की जानकारी हो, चाहे संगीत की जानकारी हो, चाहे वास्तुशास्त्र हो, कौन सा विषय छोड़ा है, चाहे आर्थिक स्थिति हो, कोई भी स्थिति हो। और इसका कारण है भगवान ऋषभदेव ने क्या पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है, सबसे पहला तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव ने जो मनुष्य जाति केवल एक पशु पक्षी की तरह रह रही थी, उनको विवाह करना, सबसे पहला विवाह भगवान ऋषभदेव का है। कौन है इस विवाह पद्धति के निर्माता, किसने ये बनाया है, किसने परिवार बसाया है, किसने खेती करना सिखाया है, किसने घड़े बनाना सीखा है, किसने जूता सीना सिखाया, किसने जुआ खेलना सिखाया, किसने हाथ में तलवार पकड़ना सिखाया, किसने हाथ में कलम लेना सिखाया, कौन है ये सिखाने वाला, कौन है। आपको इस बात का गौरव होना चाहिए कि दुनिया में ऐसा कोई ज्ञान नहीं है कि जिस ज्ञान के प्ररूपक जैन तीर्थंकर या जैनाचार्य है। आश्चर्य है, जब साउथ में राजाओं के आक्रमण हुए और लूटे गए हैं, मारे गए हैं साधुओं को इनको, और उस समय शास्त्र को बचाने के लिए जैनाचार्यों ने एक जगह शास्त्र का पूरा भंडार रख दिया और ऊपर से ऐसा लेप लगा दिया कि जिसको बारूद भी जला न सके, अग्नि जला न सके, पानी पिघला न सके, ऐसे केमिकल किसने खोजे, किसने खोजे। और भगवान के निर्वाण के बाद वल्लभीपुर में देवर्षिगणिक समाश्रमन गुजरात में, वल्लभीपुर में देवर्षिगणिक समाश्रमन ने एक दिन देखा, प्रतिक्रमण करते समय हाथ कान पर गया तो देखा कि वहां सोट होती ना, सोट नो गाठियो अया राखे लो। अरे सर्दी हो गई थी, सूट लेकर के आए थे और वो रख भूल गए वापस लौटाना। हमने दीक्षा ली,
हमने नवदीक्षित थे, हमारा एक ही काम था कि सुबह जा करके कोई दवा की इसकी आवश्यकता हो, सुई धागा की जरूरत हो, कैची की जरूरत हो तो लेके आना, और शाम को वापस जिसके यहाँ से लाया उसको लौटा के आना, अपने पास नहीं रखना। ये हमारी परंपरा रही है। और आचार्य ने देखा कि अरे ये मैं लौटाना भूल गया, अगर मैं ये स्थूल वस्तु भूल सकता हूं तो ज्ञान का क्या होगा। और उन्होंने शास्त्र में लिखा है नो लिखित जा नो आलेखित जा, लिखना साधु के लिए निषेध है, आलेखन करना निषेध है, तब भी शास्त्र की सुरक्षा के लिए नियम के विपरीत जा करके शास्त्र लेखन किया है, शास्त्र लेखन किया है। करना चाहिए था कि नहीं, करना चाहिए था कि नहीं? अगर हम इस द्वादशांग की वाणी में से केवल 12 अंग सूत्र में से ये सुख विपाक का इतना छोटा अध्याय कि जिसका हम आधे घंटे में स्वाध्याय कर सकते हैं वो भी हमने नहीं किया है, तो इतनी बड़ी ज्ञान राशि को हम कैसे संभालते? अगर वो न लिखते तो होता हमारे पास कुछ, कुछ होता हमारे पास में नहीं होता। और समर्थन भी करने वाले मिल जाएंगे, विरोध करने वाले भी मिल जाएंगे। लोगों ने कहा अपने शास्त्र विरुद्ध काम कर रहे हैं, नरक में जाएंगे। आपके पास में दो ही रास्ते हैं, या तो आप कहेंगे हम गोचरी नहीं देंगे, शास्त्र विरुद्ध काम कर रहे हैं गोचरी नहीं देंगे, उपाश्रय देंगे नहीं ठहरने के लिए, और या नरक में जाओगे। क्या है आपके पास में करने के लिए, क्या है आपके पास? लेकिन देवर्ति कनिक क्षमा श्रमण, क्षमा करने वाले उन लोगों को जो इस तरह से कह रहे थे, उन्होंने क्या किया? बोले मेरी तैयारी है नरक में जाने की, अगर भगवान की वाणी को बचाना है तो उसके लिए मेरी तैयारी है नरक में जाने के लिए। आप सबसे पहले भगवान के निर्वाण के बाद ही 200 वर्ष बाद राजा खारवेल ने सबसे पहले उड़ीसा में हाथी गुफा बनाई है। गुफा बनाना क्या है, आप यहां पर भी राजगृह में देखेंगे स्वर्ण भंडार गुफा किसके लिए बनी है, आपके लिए बनी है क्या? आप आएंगे 2500 वर्ष बाद भी और उस गुफा को देखेंगे कि जैनों की गुफा है, इसलिए किस लिए बने? उस पर स्पष्ट लेख है, खारवेल ने भी स्पष्ट लेखन किया है उसमें, नमो अरहंतानम नमो सर्व सिद्धानम लिख करके उसमें लिखा है कि ये साधुओं के ज्ञान गोष्ठी के लिए, ज्ञान चर्चा के लिए, सम्मेलन के लिए ये गुफा बनाई है, ज्ञान की आराधना के लिए। यहाँ की जो गुफा है उस पर भी लिखा है आचार्य वज्र स्वामी के लिए साधना की दृष्टि से ये गुफा बनाई है, और वह 4 तीर्थंकरों की मूर्तियां है, सामने कीर्ति स्तंभ था जो आज नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी गुफाएं अजंता एरेवला और साउथ तो पूरा भरा है गुफाओं से, मंदिरों से। तो गुफाओं का निर्माण आपके नियमों के अनुसार हो रहा है क्या, हो रहा है क्या? फिर कैसे बनाया? और शास्त्रों के भंडार के लिए, शास्त्रों की सुरक्षा के लिए गुजरात में राजस्थान के बॉर्डर पर विदेशी आक्रमणों से सारा बचाने के लिए जैसलमेर के भंडार आप देखेंगे, आश्चर्य होगा, ज्ञान का सागर है पूरा। और वो रखे कैसे गए हैं, बाहर से कुछ भी नहीं पता चलेगा आपको, और भीतर जाएंगे तो आप बैठे बैठे भी नहीं जा सकते हैं, आपको भीतर जाने के लिए लेट करके जाना पड़ेगा, जैसे सांप लेट करके चलता है इस तरह से। कैसे बनाया होगा आचार्यों ने ये सब,
और भीतर में बहुत बड़ी जगह बना करके उसमें सारा भंडार सुरक्षित कर दिया, ऊपर से इस तरह से ढका कि बाहर से कोई भी उस पर कुछ भी करे तो उसका प्रभाव भीतर में रखे हुए शास्त्रों पर ना पड़े। कितनी कोशिश की और आज हम कहाँ हैं, हम कहाँ हैं? बहुत हुआ तो अपने प्रवचनों की पुस्तकें छाप दी, हो गया अपने दो चार भजनों की किताबें छाप दिया, हो गए और उनके अध्ययन के लिए। ये सब के सब कुमार अध्ययन कर रहे हैं और इसी तरह से अंतगढ़ दशांग सूत्र में भी आप देखेंगे साध्विया भी है तो वो भी ज्ञान में पारंगत है और तपों का भी उतना ही वर्णन, कनकावली, रत्नावली, स्वर्णावली, विशिष्ट तपों का आयोजन कर रहे हैं, स्वयं तप कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि संघ में जाकर के चौमासा किया और संघ के लोगों को ही तपश्चर्या कराई, खुद इतनी बड़ी बड़ी तपश्चर्या कर रहे हैं और जब देखा समय आ गया है तो महीनों महीनों का संधारा किया है। साधना की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, तप की दृष्टि में कहीं पर भी और नए से नए कदम उठाने में हमारे आचार्य सबसे ज्यादा आगे रहे, सबसे ज्यादा आगे रहे। एक अल्पसंख्यक समाज और उसने इतना काम किया है, लेकिन ये भी एक सोचने की बात है कि हम अल्पसंख्यक कैसे हुए। अगर भगवान महावीर के समय में और उसके बाद में आचार्यों ने उसे विस्तार दिया है, भगवान महावीर का जो बिहार क्षेत्र है उससे आगे जाकर के और प्रदेशों में विहार किया है, काबुल, कंधार, श्रीलंका, नेपाल, खेतान, भूटान, इन देशों में कौन गया है? सबसे पहले आचार्य भद्रबाहु भगवान निर्वाण के 180 वर्ष बाद उन्होंने यहाँ के राजा चंद्रगुप्त को दीक्षा दी और चंद्रगुप्त को लेकर के साउथ में गए और वहां से श्रीलंका गए। श्रीलंका में कैसे गए, कैसे गए? पैदल चल करके। आप कहेंगे काबुल कंधार तो गए होंगे पैदल चल करके, लेकिन श्रीलंका कैसे गए, जावा सुमात्रा में कैसे गए और वहां के राजाओं को जैन कैसे बनाया? समुद्र पार करके इतनी यात्राएं की। अगर वो परंपरा आज भी जीवित होती है तो आज जैन धर्म का विकास कहां से कहां पहुंचता। लेकिन सिमट गए और सिमटते 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 अपने शास्त्रों तक को समेट दिया और उनका स्वाध्याय भी सिमट गया। श्रावकों के लिए भी अगर 15 दिन में एक दिन 11वां परिपूर्ण पौषद व्रत करना है और सप्ताह में एक दिन 10वां व्रत करना है, मतलब महीने में कितने दिन निकालने हैं आपको? 6 दिन। आज आपकी छुट्टियां कितने दिनों की है? सैटरडे संडे आया है कि नहीं है? मतलब इतनी वैज्ञानिकता आपके ये जो 20, 5, 8, 11, 14 ये जो पंचतिथि है उसमें भी क्या है, उसके पीछे भी क्या उद्देश्य है कि 2 दिन आप अपने बाह्य जीवन के लिए दीजिए तो 1 दिन आप अपने अंतरंग जीवन को दीजिए और थोड़ा विश्राम करिए, थोड़ा सोचिए, थोड़े ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ करके चलिए। और इसीलिए ये परंपरा रही है स्वाध्याय की परंपरा रही है। केवल ऐसा नहीं कि गए उपाश्रय में और हाथ जोड़ के 2 नवकार मंत्र बोल करके निकल गए, ऐसा नहीं। थोड़ा समय अपने लिए दीजिए और इसलिए अपना, अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो आपको अपना प्रबंधन अच्छी तरह से रखना पड़ता है कि नहीं? अगर प्रबंधन गड़बड़ा गया
मैनेजमेंट गड़बड़ा गया तो आपका बिजनेस भी चौपट हो जाएगा और आपका जीवन, लाइफ मैनेजमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे, कैसे करोगे, कितना समय किसके साथ देना है, परिवार को आप कितना समय देते हैं, कितना समय देते हैं, और बाहर से परेशान होकर के आकर के सारा गुस्सा कहाँ उतारेंगे, जो समय दिया वो भी क्या किया आपने, कहने को आप घर में है, किया क्या आपने, किसके सुख दुख को बांटा है, किसके अध्ययन की व्यवस्था की है, किसके भविष्य के बारे में सोचा है। गृहस्थ जीवन की जवाबदारियां वो भी हमने पूरी नहीं की है, और अपने जीवन के लिए, अपने जीवन के लिए क्या किया, बाहर में रिश्तेदार है, सगे संबंधी है, उनके विवाह में जाना है, उनके पार्टियों में जाना है, उनके इसमें जाना है, वहां पर पूरा टाइम दिया है, और अपने लिए कि दिन में केवल 10 मिनट भी हम अच्छी तरह से बैठ करके ये भाव मन में लाए कि जो जो मुझसे मेरे जीवन में आज पूरे दिन में अगर मैंने कटु वचन बोला है, मैंने किसी का दिल दुखाया है, मैंने किसी का अहित हो ऐसा बोला है, अथवा मैंने ऐसा कर्म किया है, अथवा अथवा भी नहीं, और मन से मैंने गलत किया है, वाणी से मैंने गलत किया है, कर्म से मैंने गलत किया है, तो उन सबको मैं मिच्छामि दुक्कड़म करता हूं। और मैंने अच्छा किया है, आज मैंने स्वाध्याय किया है, एक पैराग्राफ पढ़ा है, उसमें मैंने ये वचन अच्छा सुना है, उसे मैं अगर फोन करते हैं और किसी को पूछते हैं क्या किया, वो मित्र आया था क्या, उसको संभाला क्या, फिर बाजार गए थे क्या, उसकी अपेक्षा आज मैंने ये पढ़ा, आज मैंने ये सोचा, एक अच्छा विचार उस फोन के माध्यम से भी हम प्रसारित करें, कर सकते कि नहीं कर सकते, कर सकते कि नहीं कर सकते, बातें करते हैं, सब्जी लेने जाएगी बहने तो वहां पर भी कोई मिल जाए तो आधा घंटा तो यूं ही बातों में पूरा कर देंगे, इस सब्जी को कैसे बनाना है, कैसे कर रखना है, कैसा क्या करना है, इसी में सारा ज्ञान छोकने में ही दे देंगे, तो थोड़ा उसके साथ में कि आज मुझे ये अच्छा लगा, आज ये बात बहुत अच्छी लगी, तुम भी देखना मैंने ये सब्जी ऐसी बनाई तो तुम भी बना के देखना अच्छी लगेगी, तो मैंने ये सोचा, मैंने ये पढ़ा, मैंने ये जाना, ये अच्छा लगा तो तुम भी देख लेना पढ़ करके, कभी ऐसी बातें की है। आए हो भगवान की भूमि में और भगवान की भूमि में ही बैठ करके सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी को ये बता रहे हैं, तो थोड़ा अपना लाइफ मैनेजमेंट अच्छी तरह से कर लेना कि मैं अपने जीवन के, जो सुबह उठ करके स्नान करते हैं, फ्रेश होकर के ऑफिस में जाते हैं कपड़े बदल करके, ऑफिस से आने के बाद फिर कपड़े बदलते हैं, फिर फ्रेश होते हैं, फिर सोने के लिए चादर भी जो दिन भर बची हुई है वो नहीं चलती, दूसरी चाहिए, चाहिए ना, सोने के लिए थोड़ा लाइट डिम चाहिए, कोई हल्का म्यूजिक हो तो चलेगा, थोड़ा रूम फ्रेशनर कर दे तो चलेगा, अगर सोने के लिए इतना कर रहे हैं तो जागने के लिए कुछ नहीं करेंगे क्या, जागने के लिए कि कोई सुबह चादर खींच करके उठाए, कोई पानी छिट करके उठाए, कोई जोर जोर से आवाज दे करके उठाए, कोई शिकायत करते हुए उठाए, कैसे उठाना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कहम चरे कहम चिट्ठे कहम गुंजंतो भासंतो पाव कम्बम न बंदई, क्या पूछा है भगवान को कि मुझे बिल्कुल संक्षेप में बता दीजिए, मुझे टाइम नहीं है आपकी ज्यादा बातें सुनने के लिए, कहम चरे मैं कैसा चलूं, कहम चिट्ठी मैं कैसा बैठूं,
कहां भुंजन तो भाषण तो मैं कैसे भोजन करूं, मैं कैसे बोलूं कि जिससे पाप कर्म न बंधे, अगर इतना भी हम सोच ले तो आपके जो प्रश्न है गुरु आपसे ऊपर है, उसने आपकी ही बात दोहराई और केवल एक अक्षर का एक शब्द का फर्क किया है आपके प्रश्न में। आप करना चाहेंगे उतना? आपके प्रश्न में गुरु ने केवल एक शब्द बदल दिया है और उस शब्द को बदल दिया, वो शब्द सुनना चाहेंगे? आप सुनना चाहेंगे? का जयम चरे जयम चिट्ठी जयम भुंजंतो भाषंतो। आप विवेक पूर्वक यत्ना पूर्वक बोले, ये नहीं कि किसी ने पिन चुभाई तो आप भी पिन चुभाने गए। सोच समझ करके बोलिए, किसी को तकलीफ न हो। उसने मुझे आहत किया है, उसने मुझे दर्द दिया है, उसने मुझे पीड़ा दी है, तो मैं भी पीड़ा दूं, मैं भी पीड़ा दूं। सोच लीजिए मैं क्या करूं। और कभी भी आपका अंतर मन आपको नहीं कहेगा कि उसने एक थप्पड़ मारी तो तू चार थप्पड़ मार। कौन कहेगा ऐसा? कौन कहेगा? जो आपके भीतर में कषाय रूपी आपके शत्रु बैठे हैं वो आपको कहेंगे। तो आप अपने भगवान की बात मानेंगे कि अपने शत्रु की बात मानेंगे? जिन्होंने भगवान की बात सुनी, सामी समोसड़े भगवान पधारे, भगवान की बात सुनी और चल पड़े भगवान के पीछे। ऐसा नहीं कि दीक्षा ही ली, पहले 12 व्रत लिए और फिर दीक्षा ली। क्या फर्क पड़ा 12 व्रत में और दीक्षा लेने में? क्या फर्क पड़ा? आप जैसे बता रहे हैं कि कोई नहीं सोचेगा कि किसी ने एक थप्पड़ मारी तो मैं चार थप्पड़ मारू, नहीं सोचेगा ना। तो ऐसे ही कोई नहीं सोचेगा कि हिंसा करना अच्छा है, न साधु सोचेगा न गृहस्थ सोचेगा। कोई नहीं सोचेगा कि झूठ बोलना अच्छा है और मुझे झूठ ही बोलना चाहिए। कोई नहीं सोचेगा चोरी करना अच्छा है। कोई नहीं कहेगा कि परस्त्री गमन करना अच्छा है। कोई नहीं सोचेगा यहां फर्क पड़ेगा। अगर कोई फर्क है तो केवल इतना ही है, 12 व्रतधारी और 5 व्रतधारी करने में सुबाहु कुमार और सारे कुमार ये पहले 12 व्रत ले रहे हैं और फिर दीक्षा ले रहे हैं, तो फर्क कहां पड़ा? कहां पड़ा? जब तक घर गृहस्थ धर्म में है, ये मत सोचना कि हम गृहस्थी तो संसारी है। क्या सोचते हैं आप? गृहस्थी तो संसारी है? क्या सोच रहे हैं? आए हो यहां पर अपने सोच को बदल के जाना। कल्प सूत्र में कहा है कि भगवान की माता जब भगवान गर्भ में आए हैं तो क्या देखा उन्होंने? क्या देखा? 14 स्वप्न देखे, 14 स्वप्न देखे। ये 14 स्वप्न गर्भ में आई हुई संतान के बालक के दिव्यता के सूचक है कि भगवान महावीर कैसे है। राजा स्वप्न पाठकों को बुला करके पूछते हैं कि इस स्वप्न का अर्थ क्या है, और सारे स्वप्न का अर्थ स्वप्नवेद ज्योतिषियों ने बताया कि आप माता त्रिशला एक ऐसे पुत्र को जन्म दे रही है कि जो सिंह जैसा शूरवीर है, वृषभ जैसा संघ का निर्माण करके उसका भार बन जनता को लाभ देने वाला है। लक्ष्मी जी ऐश्वर्य लेकर के आया हूं और ऐश्वर्य प्रदान करेगा। और क्या देखा? 2 पुष्प माला देखी, याद है 14 स्वप्न? 2 पुष्प माला देखी। 2 पुष्प माला का अर्थ क्या बताया? कि भगवान महावीर 2 धर्म की स्थापना करेंगे। कौन से 2 धर्म? आगार धर्म और अनगार धर्म। आप आगार धर्म के, तो इसका मतलब है
कि आप संसारी नहीं है, आप धार्मिक व्यक्ति। मत कहना कभी भी हम संसार में पड़े, आगार धम्मा। और अगर आप कहते हैं अरहंत शरणम पवज्जामी, इसका क्या मतलब है? मंगल पाठ सुना है, मंगल पाठ बोलते हैं। अगर साधु साध्वी का योग नहीं मिला और घर में कोई मांगलिक प्रसंग है तो खुद भी मंगल पाठ सुनाएंगे। क्या बोलते हैं? अरहंत शरणम पवज्जामी, मैं अरहंत की शरण में। आगे बोलिए, पवज्जामी का अर्थ अरहंत की शरण में प्रव्रजित होता हूं। बौद्ध धर्म में बुद्धम शरणम गच्छामि, मैं बुद्ध की शरण में जाता हूं। और आप क्या बोल रहे हैं? मैं अरहंत की शरण में प्रव्रजित होता हूं। इसका मतलब है आपने अरहंत की शरण में जा करके दीक्षा ली है। किस धर्म की दीक्षा ली आपने? ये मत सोचना कि हम दीक्षित लोगों की सारी जिम्मेवारी है। आप भी दीक्षित है, आप भी गृहस्थ धर्म की दीक्षा ले रहे हैं। अरहंते शरणम पवज्जामि, अरहंत की शरण में प्रव्रजित होता हूं, प्रतिज्ञा है आपकी। ये दूसरों को उपदेश नहीं दिया है कि तुम प्रव्रजित हो जाना। घर में किसी बेटी को बेटा को नहीं कहा कि तुम जाओ दीक्षा ले लो, हम तो संसार में पड़े, तुम दीक्षा ले लो, ऐसा नहीं कहा। पवज्जामि मतलब मैं प्रव्रजित होता हूं, मैं प्रव्रजित होती हूँ। तो प्रव्रजित है, हम दीक्षित है, हमारा भी दायित्व है गृहस्थ जीवन का भी। केवल अपने बच्चों की शादियां करा दी, उनको जॉब मिले, उनको अच्छी सर्विस मिले, उतना पढ़ा दिया, हो गया, इतनी ही जवाबदारी नहीं है। उनके जीवन के संस्कारों की जिम्मेवारी भी किसकी है? आपको तो फिर भी उपाश्रय मिला, पाठशाला मिली, मंदिर मिले, माँ बाप मिले, समय मिला। आपके बच्चों को इतने पास समय है क्या जितना आपको मिला है? इतना समय है उनके पास? तो क्या दोगे उनको, क्या दोगे उनको? आप जो देना चाहते हैं वो जबान से नहीं, आप अपने जीवन से दे सकते हैं। आप बच्चों को कहेंगे झूठ मत बोलो, तो बच्चे आपको देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। आप बच्चों को कहते हैं कि लड़ाई झगड़ा मत करो, बच्चे आपको देख रहे हैं कि आप घर में आते ही झगड़ा शुरू कर देते हैं। आते ही अगर तुरंत चाय नहीं मिली तो आपका पारा ऊपर चढ़ जाता है, तो बच्चे क्या देखते हैं? बच्चे आपका जीवन देख करके पढ़ रहे हैं। आंखें ज्यादा पढ़ती है, कान कान से कम पढ़ते हैं, आंखें ज्यादा पढ़ती है। आप यहाँ आए हो, आप म्यूजियम देखा कि नहीं आपने? म्यूजियम देखा? म्यूजियम देख लेना। जितना आप 50 किताबें पढ़ करके भगवान महावीर के जीवन में के बारे में नहीं जान सकोगे, उतना आप एक घंटा भी म्यूजियम में आप देंगे तो पूरा हमारे तीर्थंकरों की परंपरा को जान लोगे और कभी भूलेंगे नहीं। आपने 50 किताबें पढ़ी, 500 प्रवचन भी सुन लिए जीवन में, तो भूल जाएंगे क्या सुना क्या पढ़ा। लेकिन म्यूजियम अगर आपने देखा है तो आप भूल नहीं सकोगे। और ऐसा म्यूजियम आप कभी कहीं नहीं देखा होगा। काफी देश विदेश से लोग आते हैं, अब तक 60 लाख लोगों ने देखा है। और स्कूल के बच्चों की जो आते हैं उनका अलग गिनती है, वो तो इसमें है ही नहीं गिनती। स्कूल के बच्चे बराबर टूर लेकर के आते हैं पढ़ने के लिए, देखने के लिए। विद्वान लोग रिसर्च करने के लिए आते हैं, ऐसा कहीं नहीं है। और ये किसने किया? आचार्य चंदना श्री जी ने किया। हमने मूर्तियां तक आकार दिया भगवान का, और उन्होंने आपके सामने बिल्कुल दृश्य रूप में लाकर के भगवान को रख दिया है कि आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे।
और जीवन के सुख दुख के प्रसंगों में हर समय आपको भगवान याद आएंगे, हर समय भगवान याद आएंगे। विभा जी बता रहे हैं कि कल वो जब कला मंदिर में गए थे तो वहां तीन अजैन लोग, जैनेतर लोग आए हुए हैं। उन्होंने म्यूजियम देखा और देख करके शाकाहार की प्रतिज्ञा लेकर के गए, मांसाहार छोड़ा, मांसाहार छोड़ा। ऐसे ही यहाँ के मुख्यमंत्री जो विंदेश्वरी दुबे रहे थे वो आए, आकर के जब कला मंदिर के गेट के बाहर आए तो कहने लगे कि मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं दोबारा आऊं या ना आऊं, कि पहले बार आया हूं तो मैंने म्यूजियम देख करके, भगवान शांतिनाथ का जीवन देख करके मैं इतना प्रभावित हुआ हूं कि मेरी पत्नी, मेरे घर के लोग मुझे कहते थे तो मैं नहीं मानता था उनकी बात, लेकिन आज मैं माता जी के सामने प्रतिज्ञा करता हूं कि ताई माँ ने मुझे ये जो बोध दिया है इस कला मंदिरम के माध्यम से, तो मैं मांसाहार का त्याग करता हूं। और कहीं मैं दोबारा आ गया तो कोई दीक्षा न ले लो, कोई दीक्षा न ले लो। तो ये माध्यम हमें थोड़े समय में कैसे लोगों को देना है, अगर भगवान महावीर का जीवन वो देखते हैं और इतना लोग प्रभावित होते हैं कि आज 60 लाख लोगों ने देखा है। और इसी तरह से आप हॉस्पिटल देख लीजिएगा, 3.5 लाख से ऊपर आंखों के ऑपरेशन हो गए हैं। चिकित्सा अलग है, केवल ऑपरेशन ही 3.5 लाख से ऊपर हुए और हर मरीज को ठीक तरह से अटेंड किया जा रहा है, उन्हें नवकार मंत्र सिखाया जा रहा है, उनको शाकाहार का उपदेश दिया जा रहा है, उनको स्वच्छता का, पर्यावरण की सुरक्षा का उपदेश है। और उनके जीवन की केवल आंख की, शरीर की ज्योति नहीं लेकिन जीवन की ज्योति मिल रही है। भगवान महावीर ने इस भूमि में 14 चातुर्मास किए हैं और जो सुधर्मा स्वामी ये भगवान की देशना आप तक दे रहे हैं, जम्बू स्वामी को दिया, जम्बू स्वामी ने प्रभव को दिया, प्रभव ने स्वयं भावाचार्य को दिया और इस तरह से परंपरा जो आगे चली है, उन सुधर्मा स्वामी का, जम्बू स्वामी का निर्वाण, 11 गणधरों का निर्वाण इसी व्यवहार गिरी के शिखरों पर हुआ है। सामने ये व्यवहार गिरी है आपके यहाँ शिखरों पर हुआ है। और जैन इतिहास जैसे आप देख रहे हैं, ये सुख विपाक सूत्र की देशना राजग्रह में दी गई है, मतलब शास्त्र की देशना सुधर्मा स्वामी जो दे रहे हैं जम्मू को वो इसी राजग्रह में दी है। मतलब जैन इतिहास में राजग्रह को अगर अलग हम करें तो इतिहास के कितने पन्ने श्रेष्ठ रहेंगे। ऐसे महत्वपूर्ण स्थान को पुनरुज्जीवित करने का और फिर से भगवान वाणी के प्रचार और प्रसार करने का कार्य ये विरायतन आज कर रहा है और इसकी शुरुआत भगवान महावीर की निर्वाण शताब्दी 1973 की दीपावली पर्व पर इसकी इस उद्देश्य से 1971 में इसकी घोषणा हुई है। और आज 50 वर्ष में विरायतन ने 25 सेंटर कायम किए हैं और बराबर इसी तरह से ये दीपावली का स्वाध्याय है, पर्युषण पर्व की आराधना है या तपश्चर्या का जो है आयोजन होते हैं। और अभी कल, कल कौन सा दिन है, कल कौन सा दिन है, ज्ञान पंचमी। अच्छा हुआ आपको ज्ञान शब्द याद रह गया, नहीं तो कोई कहता लाभ पंचमी है, श्री पंचमी है, और लाभ और श्री चाहिए तो पहले किसकी पूजा करेंगे, ज्ञान की पूजा करेंगे, शास्त्र की पूजा करेंगे। जो भगवान ने इतना बड़ा लाभ हमको दिया है,
भगवान ने इतना बड़ा ज्ञान का ऐश्वर्य जो हमको दिया है उसकी पूजा करेंगे। और उस पूजा का मंत्र इसी शास्त्र के अंत में दिया है। कम शास्त्रों में इस प्रकार का उल्लेख है। अंतिम पैराग्राफ है इसका, नमो सूर्य देवयाए। नमो नमस्कार है 345 पृष्ठ पर अंत में। नमो सूर्य देवयाए, सूर्य देवाए विभाग सूयस्त दो सूय खंडा दो विभागे सुह विभागे तथ दुह विभागे दस अध्ययना एकास दशरा दस सुचेव दिवसेषु उद्दिशिच्छति एवं सुह विभागे शेषम जहा आया रस्सा। इस पैराग्राफ का प्रारंभ कि सुख विपाक सूत्र मतलब कर्म के फल क्या प्राप्त करोगे, इसके दो श्रुत स्कंद है, दुख विपाक और सुख विपाक। पहले दुख विपाक बताया जिसका स्वाध्याय हमने नहीं किया, हमने सुख विपाक का स्वाध्याय किया। दुख विपाक के भी 10 अध्याय है। पहले दुख बताया और पहले दुख बताने का कारण डरा के रखना ऐसा नहीं है, भयभीत करना ऐसे नहीं है, कि आपके मन को हतोत्साहित करना ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ अज्ञान के वश अज्ञान मोहस्य विवज्जनाय, अज्ञान और मोह के कारण व्यक्ति कितने दुष्प्रवृत्तियों कर लेता है, कितनी गलत वृत्तियों को अपने अंदर में अच्छा समझ करके बचाए रखता है और उसके परिणाम कितने बुरे आते हैं, इसका दुख विपाक सूत्र में वर्णन है। और ये करने के बाद में ये बताया कि ऐसा मत समझना कि आज जीवन में दुख है तो कल भी रहेंगे, आज जीवन में दुख मिले हैं तो किसी के दूसरे के दिए हुए नहीं है। तुम्हारे खेती में किसी ने आकर के बीज डाले हैं जमीन में, ऐसा नहीं है। तुम्हारे जीवन की भूमि तुमने ही जोती है, तुमने ही बीज डाले हैं और परिणाम तुम्हें ही मिलने वाले हैं, ये विपाक सूत्र का। और अगर आपने अपनी खेती अपने जीवन की भूमि को अच्छी तरह से संभाला तो अच्छे परिणाम भी आप पा सकते हैं, अच्छा फल भी आप पा सकते हैं। और इसका उदाहरण ये 10 अध्याय में 10 राजकुमारों का तो दिया, लेकिन आप कहेंगे तो भव भव की कहानियां है। अगर वर्तमान में भी ऐसा हो सकता है, राजा श्रीनिक भगवान के समोशरण में है, देखा उन्होंने बहुत से लोग, मेघ कुमार को उनके ही बेटे को भगवान ने बताया, तूने पूर्व भव में हाथी के रूप में जंगल की आग को मिटा, जंगल में आग लगी थी, सब जंगल जल रहा है, पशु पक्षी मर रहे हैं, और उनको बचाने के लिए तुमने जंगल के पेड़ उखाड़ दिए और खुला मैदान तैयार करके सब जीवों का रक्षण किया है। इतने करुणावान कि तुमने एक पैर खुजली आने के कारण ऊपर उठाया तो नीचे खरगोश आकर के बैठ गया, ससलो अभिनवेशी, और पैर नीचे रखो तो दब जाएगा, मर जाएगा, इसलिए क्या किया तुमने, वो पैर नीचे नहीं रखा, जब बारिश हुई आग बुझ गई तब तुम पैर नीचे रखने के लिए गए, तो पैर तो अकड़ गया था, रखने के प्रयास में गिर गए, मृत्यु होकर के तुम मेघ कुमार बन करके आए हो। राजा श्रेणिक को लगा कि आज जैसा मेरा राज्य है, मेरा प्रभुत्व है, मैं भगवान के चरणों में हूं, तो ये भी मेरे अच्छे कर्म का फल होगा, और आगे भविष्य में मैं कहां जाऊंगा, क्या करूंगा। भगवान को जिज्ञासा पूछ कि भगवान मैं आगे कहां की यात्रा करूंगा, कहां जाऊंगा। श्रेणिक बड़ा प्रिय शिष्य है, तो क्या उसको
मक्खन मक्खन लगाएंगे क्या कि जो सत्य है वो बताएंगे हा? कि श्रावकों को खड़ा करके उनके बहुमान करेंगे हा? क्या करेंगे? भगवान ने कहा श्रेणिक तुम अगले जीवन में नरक में जाओगे। बहुत दुख हुआ कि मेरा जीवन आज मैं इतना सुख में हूं और भविष्य में मुझे नरक की वेदना भोगनी पड़ेगी। भगवान का शिष्य होकर के मैं नरक में जाऊंगा। रोने लगा। एक सम्राट जिसका नाम सुनते ही अन्य देश के राजा कांप जाते थे, भयभीत होते थे, वो राजा सम्राट चौधरा आंसू रो रहा है कि भगवान मेरा ऐसा जीवन रहेगा? दुख से तो हर व्यक्ति घबराता है। एक हत्यारा जिसने कई लोगों को यूं ही खत्म कर दिया, अगर वो पकड़ा जाए और उसे मारना पीटना लोग शुरू करे तो क्या कहेगा? वो क्या कहेगा? मत मारो, मत मारो, मत मारो। कोई नहीं चाहता है, दुख देने वाला भी दुख पाना नहीं चाहता है। भगवान ने कहा श्रेणिक चिंता मत करो, ऐसे तो तुमने बहुत बार नरक की यात्रा कर चुके हो, बहुत बार ये दुख देखा हुआ है, अब तो बस तुम्हारा ये एक ही भव बाकी रह गया। एक बार केवल नरक में जाकर के आना होगा, क्योंकि तुमने धार्मिक जीवन जीने से पहले ऐसे कर्म किए और उस समय तुम्हारा नरकायु का बंद हो चुका था, इसलिए नरकायु भोगनी पड़ेगी। लेकिन जो तुमने सत्कर्म किया है उसके कारण अब आने वाला भव, नरक के बाद का जो भव है, तुम भविष्य में जाकर के मुझ जैसे तीर्थंकर बनोगे। अपने आप को राजा श्रेणिक की जगह पर रखकर सोचे तो कैसा लगेगा? क्या सोचोगे? क्या मन में आएगा? कोई बात नहीं, एक धोखी बात है ना, नरक के दुख क्या हुआ? अगर नरक में भी गया तब भी मैं सम्यक्त्व हूं, तो वहां पर भी मैं वेदना को हंसते हंसते झेल लूंगा, हंसते हंसते सह लूंगा। एक भव की बात है, इतना पार हो जाए तो फिर तो मैं भी भगवान का शिष्य भी भगवान हो जाएगा। कितनी प्रसन्नता, कितनी खुशी। इसलिए सुख विपाक कि ये दुख भरे जीवन की अतीत की कहानियां है तो भूल जाओ उनको। याद रखना जीवन में हर समय, याद रखना अगर किसी से कोई गलती होती है, अगर कोई हमारा नुकसान करता है, अगर कोई हमारा अहित चाहता है तो क्या करोगे? हमने किया वो हम भूल जाएंगे, लेकिन अगर दूसरा कोई हमारे साथ करता है तो उसको भी भूल जाना, उसको भी भूल जाना। कल वो भी अच्छे रास्ते पर आ सकता है, कल वो भी शत्रु मित्र बन करके आपकी सहायता करने वाला बन सकता है। ये संभावना उसके भीतर में छुपी हुई है। अगर आपके भीतर में भगवान बनने की संभावना छुपी हुई है, भगवान बनने की ऊर्जा आपके भीतर में है, भगवान बनने का साहब सामर्थ्य आपके भीतर में है, तो उसके भी भीतर में है, उसका भी अनादर मत करना, उसको भी सहायता पहुंचाना। और ये समझना कि उसने जो आपको दुख दिया है उसने भी मेरी सहायता ही की। कम से कम उस समय मैंने समत्व धारण किया तो किसके कर्मों की निर्जरा हुई? उसने तकलीफ दी, उस निमित्त से आपने अपने कर्मों की निर्जरा की, तो कौन सा रास्ता चुनोगे? सुख पाना है तो सुख चाह के उपाय करते हैं ना, तो सुख पाना है तो दुख की प्रतिक्रिया में दुख देना मत प्रारंभ करना,
दुख का मार्ग मत अपनाना, वहां पर भी सुख खोजना, सुख का रास्ता खोजना। हर घर में कितना भी आलीशान घर हो, कितना भी सजा सवरा साफ सुथरा घर हो, तब भी वहां पर भी डस्टबिन है कि नहीं है, है ना? डस्टबिन को साफ करते हैं कि नहीं करते हैं? कि पड़ा रहने देते? कौन हाथ लगाएगा, कौन छुएगा? संभाल के नहीं रखते हैं ना डस्टबिन को, नहीं रखते। तो ये तो जीवन की प्रक्रिया है। केला खाओगे तो छिलका फेंकोगे, तो उसको भी साफ कर देना। सुख भोगा है तो उसके छिलके जो उतार करके फेंके हैं, आम तो खा लिया छिलके, क्या किया? डस्टबिन में डाले ना, साफ कर दो। इतना कमाया, कुछ तो कहीं किसी को तकलीफ हुई होगी, कहीं ना कहीं गलत विचार आए होंगे, कहीं ना कहीं गलत काम किया होगा, तो उसको भी साफ कर देना, अपने भी लिए और जो हमारे लिए दुष्कर्म कर। इसलिए द्वेष बुद्धि को छोड़ करके जो मुझे प्राप्त हुआ है, ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, तो मैं भगवान के मार्ग पर चलूंगा। मैं 12 व्रत, मतलब अहिंसा का पालन करूं, सत्य का पालन करूं, अचौर्य व्रत का पालन करूं, ब्रह्मचर्य व्रत का, अपरिग्रह व्रत का पालन करूं। मैं वहां पर भी शुभ भावों में रहूं, अशुभ में से हटने के लिए इतने प्रयास, इतना उपदेश, इतना ज्ञान दिया है कि ये दुख विपाक और सुख विपाक की एक महत्वपूर्ण बात है कि आप किस तरह से पाप मार्ग से हट करके पुण्य कर्म में आए। जो हमें प्राप्त हुआ है उसका अच्छा से अच्छा उपयोग करें, अच्छा से अच्छा सत्कर्म की दिशा में हम प्रयत्नशील रहे, हमारे हाथ से अच्छा ही हो, हमारे वाणी से हम अच्छी बात ही बोले, हमारे मन से हम किसी का अच्छा ही सोचे। जम जम मने न दुट्टु चिंतियम, जम जम मायाए दुट्टु भाषियम, जम जम कायाए दुट्टु किरियम। जो जो मैंने मन से अशुभ सोचा, अशुभ किया, अशुभ बोला, उसका मिच्छामि दुक्कड़म करके इच्छामि सुक्कड़म, मैं अच्छा काम करना चाहता हूँ। तो कल हमारा ज्ञान पंचमी का दिन है, कृतज्ञता का भाव का दिन है कि हमारे आचार्यों ने इतने परिश्रम से हमें ये जो निधि दी है उसका तो पूजन करते हैं। हम अपने उन श्रुतधर ज्ञानियों के प्रति अहो भाव से भर करके इस शास्त्र की हम पूजा करते हैं, और पूजा करने का अर्थ है उसमें से कुछ पाना चाहते हैं। भगवान को भोग चढ़ाते तो प्रसाद लेते हैं ना, प्रसाद भी लेना चाहते, भगवान की कृपा लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि खाली भगवान को चढ़ा दिया हो गया, भगवान को दे दिया हो गया, नहीं, भगवान की कृपा चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहते हैं। तो नमो सूर्य देवाय इस मंत्र का ध्यान रखना, बिल्कुल छोटा सा मंत्र है, कहीं नमो नानस भी आप पढ़ेंगे, कहीं ऐम सरस्वती भी पढ़ेंगे, और इस सूत्र में जो दिया है नमो सूय, सूय मतलब श्रुत शास्त्र, श्रुत देवता को मैं प्रणाम करता हूँ, नमो सूय देवाय। तो इस तरह से कल हमारी ज्ञान पंचमी है, और उस ज्ञान की आराधना में हम इतने प्रभु के इस भूमि में बैठ करके उन भावों के साथ में कि जहाँ ज्ञान की गंगा बही थी उस गंगोत्री में हम बैठे हैं, जहाँ ज्ञान गंगा प्रकट हुई है उस भूमि में बैठ करके हम ज्ञान की पूजा करेंगे और ज्ञान को जीवन में स्थान देंगे। वह स्थान अपूर्व होगा, वह अपूर्व होगा, वह हमारे लिए भी हम अपना स्थान स्थान खोजते कि नहीं? थोड़ा सा ये होगा वो हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, घर में मेरा क्या स्थान है, बोलते कि नहीं? आप लोगों को मेरी क्या जरूरत है? कहीं एक बार कोई आमंत्रण देना भूल जाए तो हमें भूल गए, हमारा कोई स्थान नहीं आपके दिल में। स्थान खोजते हैं ना, खोजते हैं ना, इन स्थानों का क्या है? कोई आज देगा कल कोई नहीं, आज फूल माला पहनाते हैं तो कल गालियां भी दे देंगे, उनका क्या है?
लेकिन ऐसा स्थान हमारे जीवन में किसका है, तो वो स्थान केवल ज्ञान का है और किसी का नहीं हो सकता है। तो ये पूजा, ये अर्चना, ये ज्ञान का स्वाध्याय, ये सब हमारा अपने जीवन में वो ज्ञान का दीपक हम रखे कि जिसका प्रकाश हमें बराबर मिलता रहे। इस भाव के साथ में मंगल पाठ, इस शास्त्र के स्वाध्याय करते समय, इसके समापन में जम्बाइदम बच्चा मिलम हिनक्करम अचक्करम पयनम विनयनम जोगेनम घूसेनम सुट्टु दीनम दुट्टु परिचम अकाले को सज्जाओ काले न को सज्जाओ असज्जाय सज्जायम सज्जाय न सज्जायम भंता गुंता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत की आशातना की हो तुम इच्छामि तुकड़म। नमो अरहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयरियानं नमो वज्झायानं नमो लोए सबसाहुनं एसो पंच नमोकारो सर्व पाव पनासनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलं गुरुदेव की अज्ञा चत्तारी मंगलं अरहंता मंगलं सिद्धा मंगलं साहु मंगलं केवलीपणतो धमो मंगलं चत्तारी लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवलीपणतो धमो लोगुत्तमो। मंगलमय है नाम प्रभु का, श्रेष्ठ है मार्ग प्रभु का, प्रभु के मार्ग पर चलने की हमारी प्रतिज्ञा है। हम अपनी प्रतिज्ञा को दोहराते हैं, चत्तारी शरणं पवज्जामि तारी शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि शरणं पवज्जामि तिरे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि शरणं पवज्जामि धम्मं शरणं पवज्जामि धम्मं शरणं पवज्जामि। सिद्ध साधु और धर्म की शरण लेकर के जो जीवन की यात्रा पर चला है उसके लिए परमात्मा के आशीर्वाद बरस रहे हैं। आशीर्वाद है परमात्मा के, आशीर्वाद है इस तीर्थ भूमि के, आशीर्वाद है परम पूज्य गुरुदेव और आचार्य श्री ताई माँ के। आप सबके उज्जवल भविष्य के लिए हम सबकी मंगल कामना है। कल ज्ञान पूजा, शास्त्र पूजा और आचार्य श्री जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। मत्थे वंदन।